बारगाह मासी से मुबारक के हमरा जीवन निकलती है। ये दासी है करबला वालों की, केशव याशूर सैलानियां परेशान, जितने हुसैन के सिपाही थे सब सुबह चंद सिदार देने की कोशिश में थे, तो एक खैमे से दूसरा खैमा जाते, वो दासी हमारे दखल में बुजुर्गों की तरफ से होती है। अलावे कष्ट लेके लिए आप लोग जो है इधर उधर जमीनों में बैठ के तमाम जीवन बर्बाद क्यों करें। खुदा के वास्ते आप चाहे कोई अंजुमन में भी रहे, पर अंजुमन के हमारा आशु खाना चाहे, हर आशु खाने में जो है आप जाकर नाव खानी करें या कम से कम खत्म कोशी कर लें, क्योंकि इन अय्या में मासूमीन अलैहिस्सलाम ये मजालिसा इतिहाद करके बताया कि जो दुआएं मांगना है, अपनी आखिरत संवारना है, तो हमारे घर मजदूर की अदादारी करो, अपने घर में मजालिस बर्पा करो। दुनिया जान भी धीरे धीरे आज ये सोशल मीडिया जो अपने आंखों के सामने है, ये बनाने वाला, ये कैमरा बनाने वाला या व्हाट्सएप तैयार करने वाला अगर मोमिन बनाता है तो मेरी दुआ है कि उसके दर्जा आली हो। क्यों कि हुसैन क्या है, अदाकारी क्या थी, ये सोशल मीडिया के जरिए सारी कायनात में जगह जगह में दिखाई जा रही है। हैदराबाद की अदाकारी सारी दुनिया में, पहले खतों किताबों के जरिए बात जाती थी, आज ये वहां पड़े गया, ये हुआ, ये माता हुआ, ऐसा हुआ वैसा, आज लम्हे के अंदर सारी दुनिया में क्या हो रहा आप देख सकते हैं। इससे आप लोगों को अंदाजा दिए सोशल मीडिया की तरफ से लाखों की तैदाद में लोग जो है हुसैन खैरी के कदमों में आ गए, लाखों की तैदाद में लोग जो है अपने अहलो अयाल के साथ शिया हो गए। शिया कोई मजहब का नाम नहीं है, शिया कोई मजहब का नाम नहीं है, शिया के मायने है दोस्त के, चाहने के, मोहब्बत करने वाले के। और आधार से जो मोहब्बत है उसमें जो है ये इजाफा होते जा रहा है। इसका सही इस्तेमाल अगर करेंगे आप तो तकलीफ दीन होगा, अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप जहन्नुम के दर पे रहेंगे। आप देखिए इन चीजों से इससे फायदा उठाइए। आज तक जो सोशल मीडिया के जरिए नमाजों के लिए, हर चीज के लिए, आयत की तशरीह के लिए एक एक चीज जब आती है व्हाट्सएपों पे, तो कम से कम आपको पढ़ना अगर नहीं आता तो पढ़े लिखे कोई दूर से पूछ सकते आप कि ये क्या चीज है। इससे आपको जो है एक दिन का तीखा जो जमा होगा तो जाके पहाड़ होगा। तो कोशिश करें आप लोग अहले बैते या थार कोर्ट में जाए। अदाकारी हैदराबाद की जो है आज सारी दुनिया में मशहूर है, मशहूर इस बात से है कि आप लोगों में इत्तेहाद है, आप लोगों में इत्तेहाद है, दूसरे अफवाह दूसरे कौमें आप नजर रखे हुए, आप ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे दूसरी कौम को तकलीफ पहुंचे। कुछ है लोग ऐसे आपस में आके जो है चाहते हैं कि आप लोग जो है इत्तेहाद में नहीं रहे, एक जर्दी में नहीं रहे, मगर मैं जाकर समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा कभी भी। अज़ाए हुसैन एक ऐसी रूहानी चीज है जिससे अब आप देख रहे हैं इतने जितने सादा घराने के गैर सादा जो भी हो, जितने नूरानी चेहरे मेरे सामने हैं, ये समझ लो कि मादरे हुसैन की दुआओं के मुस्तहक हैं। कल 9 बजे अनारे कष्ट करने के लिए अंजुमन जाएगी, तस्वीर तादाद में जो है जुलूस के हमरा रहे, ये जुलूस निकल के पूरे आशूर खाने जाता है, और रात के 3 बजे कल शबे आशूर बीवी के अलाए में मजरूम करबला का प्रसाद मादर हुसैन की बारगाह में हर साल की तरह इंशाल्लाह अगर चंद लोगों के लिए मेरी जिंदगी है तो मैं कल इंशाल्लाह वहां हूं, वरना अगर दुनिया छूट गई तो कोई परवाह नहीं, मेरी जिंदगी पूरी मुकम्मल है। और एक बात याद रखना आप लोग,
कि रोजे आशूर कम से कम दो रकात नमाज मोहब्बत अहले बैत मोहब्बत हुसैन में किसी भी मस्जिद में पढ़े आप, किसी भी मस्जिद में पढ़े ज़ियारत के वास्ते जरूर पढ़े, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना जो है देख रहे हैं ज़ियारत नाहिया में बोला जाता है कि हुसैन के नाम पे खून के आंसू बहाते हैं। मोहब्बत हुसैन में दो रकत नमाज पढ़े आप, पढ़े आपके घर वालों को बोले दो रकत नमाज पढ़िए आप। नमाज हुसैन का आपकी सजदा इस बात की दलालत करता है कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है और काबिल लायक है कि उसको सजदा करे जाए। एक जमाना था लोग जो है मजलिस और नमाज को भी टकरा के कुछ नौजवान बच्चों के जहन में ला दिए कि मजलिस अफजल है और नमाज अफजल है, ये बात बिल्कुल गलत है। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा ना उसके घर में बरकत होगी ना उसकी जबान में मिठास होगी। नमाज जरूर पढ़े, दो रकात नमाज पढ़िए, पंच वक्ता की नमाज पढ़िए, मस्जिदों को आबाद करिए। आप देख रहे हैं कि शहर हैदराबाद में ऐसे 50 मस्जिदें हैं जो गैरों के हाथ में चलेगी, क्यों? क्या आप लोग अपने घरों में जो इबादतें करते हो घर के बाहर ही नहीं करते? ऐसा नहीं करें, हम मस्जिदों को जाएं। और कुछ नौजवान बच्चे इन दिनों में बहुत शरीर हलील है, इसमें अंसार जिसका जो है गले का ऑपरेशन हुआ और साजिद जिसको जो है ब्लड कैंसर हो गया, बारे का हजरत के पास सखत था कि तमाम को शिफाए कामिल अता फरमाया। और इस हर उन्होंने जो है शरीर हलील है, आजकल नौजवान बच्चों को जो है डायलिसिस के लिए भेज रहे, तो ये समझे आप ये गुटखा खाना और जो है ये खाना वो खाना, इसे परहेज करें आप अपनी जान की। पर जान बहुत कीमती है आप लोगों की, बहुत कीमती है। ये खतरा खून भी अगर नाम हुसैन पे आपका बहता है तो माँ बहन हुसैन जो है सड़क के दुआ देती है आप लोगों को, अपनी जान की हिफाजत करो, अपनी आलोला की भी हिफाजत करो। आप लोग ऐसे वैसे चीजें ऐसी ऐसी जगह पे मत जाओ जिससे आप लोगों की जिंदगी जो है खतरे में पड़ जाए। आप अपनी नस्ल को बढ़ाओ, अपनी तादाद को बढ़ाओ। आप सोचो आप ये देखने में जो है मजाक दिखता मजाक की बात है, मगर देखना कि इमाम जमान अलैहिस सलाम का जहां तो ईमान के हक में सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। खुदा जाने कि अगर आपकी औलाद में से कोई अगर ईमान का मुहिम बन जाए, कोई सिपाही अगर बन जाए, कितने नसीब की बात है आप लोगों। कुछ लोग आज जो है शामिल परिवार के मजालिस भी होते हैं जगह जगह, तो वो मजालिस भी आप लोग अटेंड करें। और शब में अक्सर लोग जो है जुलूस से आशूरा खत्म करके घरों को जाकर सो जाते हैं। आप सोचे आप शहादत हुसैन और हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाने के बाद भी अहले हरम कितने बेचैन थे, आप तसव्वुर करें। कम से कम आधी रात तक जगे आप लोग, इबादत करें, नौखानियों में रहे, यहाँ बैठ के ऐसा कैद खराब नहीं करो। एक 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 लम्हा जो है शहजादियों की दुआ की मुस्तैक है आप लोग। और एक वाकया मैं आपको सुना कि जो है नौखानी में थोड़ा रेस्ट मिलना आप लोगों को, अरफात के मैदान में चौथे इमाम अलैहिस्सलाम अपने मुसाइब को बुलाकर 1000 दीनार दे के, अरे यारो कुछ तो प्यार करो भाई, 1000 दीनार दे के अरफात के मैदान में मजलिस बर्पा करवा के ये बताए कि उनकी जग की मजलूरियत क्या थी। और एक आदमी ने दीन के खाक में या बशारे में खुद इमाम जमान अलैहिस्सलाम आए, आकर उसको ये बोले कि भाई तू मजलिस से हुसैन को बर्पा करा, खुश नसीब है तू,
मगर मेरे दादा खमरे बनी हाशिम हजरत अब्बास के वास्ते कोई सामान नहीं करा। जिस मजलिस में हजरत अब्बास का तस्करा नहीं होता वो मजलिस मैं जहां तक समझता हूं कि कुछ अधूरी रहती। कि इन अयाम में खास करके हजरत अब्बास आप देखा अच्छे तकारीर में आप लोग सुनते रहते हैं कि हुसैन हजरत अब्बास के पना में थे और छोटी बात समझ में आ जाती पना में बहुत बड़ी बात है कायनात का इमाम हजरत अब्बास की पना में रहे उनके लिए उन्हीं की बाजा में आप लोग है। इन्हीं के वास्ते से परवरदिगार एक मरतबा आपका तमाम हाजरीन ये मेरे पास सुनने वालों को एक मरतबा रहते हजरत अब्बास को ज़ियारत नसीब फरमा दे।
मरहूम रहमतुल्लाह की ओर रखा। सलाम अलैया साहब रसूल अलमान 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 अजल अल्लाह फजल सलाम अजल सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह की ओर रखा। मोमिनीन आप लोगों से मांगता है कि एक सूरह फातिहा पहले जुमला मोमिनों मोमिना जो असीर आगे था मेरे वालिद बुजुर्गवार मेरी वालिदा मोहतरमा मेरे जवान साल फजल और एक इज्जत निशान जिनते नादिर अली साहब जो अक्षर की मानदा है उनके लिए पढ़े और ये साथ जितने भी नौजवान और बुजुर्गों का इस्तेमाल हुआ खास करके जो है कारी रता का भी एक नाम ले लीजिए। सवारी निकलने का वक्त होगा वाले दादा आपके मोहम्मद वाले मोहम्मद जो दूर दराज दुनिया के कुछ नौजवान बच्चे आए हैं जो दुबई से है कतर से अलमेरा से ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से है और ये सीना देवी भी शामिल है वो लोग खास करके मेरे पर्दन और एजाज वगैरह जो और रिजवान कई ऐसे दोस्त अंजुमन से जो बच्चे आए हुए परवरदिगार उनको सहस्तकार में लता करना उनको बढ़ना बड़ा दरदारी करना नहीं परवरदिगार शहजादी के साथ भी शिफाए का अता फरमा